और ये दूसरा स्टेप देख रहे हैं आप, क्या बन रहा है भाई? बॉइल गोश्त। बॉइल गोश्त बना रहे हैं। बॉइल गोश्त है, तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं और ये फिर हलीम में डलेगा। तेल हो गया है और गर्म हो गया तेल, उसके बाद हम दूसरी आइटम डाल रहे हैं। ये क्या है? अदरक। अदरक लहसुन गरम मसाला। अभी ये प्याज और नींबू बाद में डालूंगा, अभी देख के ना। और ये खोरमा जाता हुआ देख में। और माशाल्लाह हमारी फाइनली हलीमी तैयार हो गई है, ज़बरदस्त। सलाम गाइस, मैं इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान व्लॉग हैप्पी। तो आज हमारा जो प्लान है वो कज़न के घर पे हलीम बनाने का प्लान है, तो उसके लिए हम तैयारी में जा रहे हैं वहाँ पे। तो थोड़ी देर में बस हम निकलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप कनेक्ट रहिएगा, तो हम वहाँ जाके आपसे मिलते हैं और आपको हलीम बनाने की रेसिपी के साथ तैयारी भी बताएंगे इंशाल्लाह। चलते हैं, तैयारी करते हैं जाने की टूअर्स कज़न होम। हाँ भाई, तैयार हो भाई जाना है कज़न के पास? लेट्स मूव। देख रहे हैं आप हलीम का सेटअप स्टार्ट हो गया है। ये फर्स्ट स्टेप, पानी गर्म होने के लिए हम लोगों ने रख दिया है। पानी गर्म हो रहा है, इसके बाद इसकी यखनी बनेगी, उसके बाद गोश्त डलेगा, दालें डलेंगी। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला बताएंगे आपको। और ये दूसरा स्टेप देख रहे हैं आप, क्या बन रहा है भाई? बॉइल गोश्त। बॉइल गोश्त बना रहे हैं, गोश्त है, तोड़ रहे हैं और ये फिर हलीम में डलेगा। और इसकी लज्जत आप हलीम बनने के बाद ही चेक कर सकते हैं, आप तो नहीं खा पाएंगे लेकिन मैं बता दूंगा आप लोगों को। सेकंड स्टेप स्टार्ट हो चुका है, वो रेशा रेशा हो गया बिल्कुल गोश, माशाल्लाह। जल्दी आज चलाओ भाई, टाइम शॉर्ट है। और पार्ट स्टेप थ्री, गेहूँ भी तैयार हो गई है जैसे दिख रहे हैं बॉइल्ड होके। अभी हम लोग डालेंगे इसे देख में, वेट कीजिए। हाँ चलो, ये डालेंगे हमारे शेफ, हमारे मामा जावे, ज़बरदस्त। क्या तादाद वगैरह होती होगी गेहूँ का, क्या हिसाब है और पानी का बताना? अंदाजे से होगा 7 किलो गेहूँ में, ये तकरीबन 2-2.5 बाल्टी पानी। 7 किलो गेहूँ में और 2-2.5 बाल्टी पानी तकरीबन, यानी कि कितना लीटर पानी होगा? और गोटा इसके अंदर चला गया दूसरा। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम लोग। और ये हम कोशिश कर रहे हैं एयर टाइट करने की आटे से, ताकि मुकम्मल तौर पर कोई हीट जो है स्टीम बाहर ना जाए और ये जल्दी से जल्दी हमारा जो है गल जाए, जो भी इसके अंदर है गेहूँ वगैरह। ये हलीम बनाने वाले बेहतर जानते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टीम चाहिए होती है गलने के लिए, और जितना कम टाइम में मसला ये हल हो सकता है, तो इसकी वजह से इसको एयर टाइट करते हैं आटे से, ताकि और इसके ऊपर इसके बाद हम ढक्कन लगाएंगे, ताकि स्टीम में अंदर ही रहे और जल्दी से जल्दी हमारा गेहूँ जो है वो गल सके। ये देखें चारों तरफ से हम इसको पैक कर रहे हैं अच्छी तरीके से। हाँ बस ऐसे करना है कि कोई एयर पास ना हो पाए, सारे जगह जो है हम बंद कर देंगे इसको, और इसके बाद अब इस पर कवर लगा देंगे ढक्कन। ये लगा दिया हमने इस पर, ये एयर टाइट हो गया, और इसके ऊपर हम कोई वज़न भी रख देंगे, और ये हमने ईट रख दी है, तो इस तरह से सील पैक हो गया बिल्कुल।
अब इसका एक दूसरा स्टेप धोया जाता है। अब हम इसको गोश्त मिलाने वाले हैं। हाँ, गोश्त मिलने का टाइम हो गया बचा दो। हाँ हो गया, डाल रहे हो गया। एक मिनट, गोश्त डाल रहे हैं हम लोग ताकि सही तरह मिक्स हो जाए। थोड़ी टाइम पहले फोरमे से पहले डालना पड़ता है ताकि प्रॉपर गोटा वोटा लगा कर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया जाए। मज़ेदार हलीम की भी क्या हलीम होगी जो आज बन रही है मेरे ख्याल। गोश्त काफ़ी है, कम तो नहीं? बहुत है भाई गोश्त। शेफ़ ने तस्दीक कर दिया। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसको हम लोग मिक्स करेंगे इसमें ताकि हर जगह मिक्स हो जाए सुकून से। गोटा टाइम, थोड़ा गोटा भी ज़रूरी है। गोटा इसलिए कि प्रॉपर मिक्स हो जाए जो भी गोश्त अभी हमने डाला है, नीचे ना बैठे और दाएँ लग ना जाए गोश्त। तो ये गोटा चलता ही रहेगा जब जब तक हल्की आंच में चल रहा है। और ख़बर आउट हुई है कि अब फोरमा बनने जा रहा है, तो हम लोग चलते हैं फोरमा बनाने की तरफ। फोरमे के लिए तेल डलने गया, तेल के बाद देखते हैं अभी क्या डलता है इसमें। हलीम के लिए फोरमा तैयार हो रहा है। तेल हो गया है और गरम हो गया तेल। इसके बाद हम दूसरी आइटम डाल रहे हैं। ये क्या है? अदरक लहसुन। थोड़ा सा कम करना है, ये अदरक लहसुन जो डाला है थोड़ा जब ब्राउन हो जाए हल्का हल्का, तो उसके बाद हम इसके मज़ीद आइटम इसमें डालेंगे ताकि प्रॉपर फोरमे की एक रेसिपी तैयार हो सके। ये दूसरे मसाला जात बिल्कुल हम लोगों ने पास रख लिए हैं। अब ब्राउन जैसा कि आप देख रहे हैं कि हो गई है अदरक, तो अब दूसरे मसाला जात हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। चलो भाई, पहले क्या डाल रहे हैं? अभी हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। ये क्या है? लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर हसबे जायका। हाँ, अरे अरे धोए निकल जाते भाई। ये नमक। नमक नमक कौन सा है? वो अपना है ना। हाँ, आयोडाइज सॉल्ट है। वो तो नहीं है ना। ये क्या है? हल्दी। बोल बोल के डाल रहा, क्या हो गया? हल्दी है। धनिया पाउडर। धनिया पाउडर वो डालो। दही। दही दही की बारी आ गई। हाँ, दही सुकून में आराम। पानी गरम मसाला। अभी ये प्याज और नींबू बाद में डालूंगा। अभी देख के ना, प्याज रह गया। अभी प्याज रह गया, नींबू और नींबू ये एंड का आइटम। जरा पकने के बाद। पकने के बाद कितनी देर पकाना है? उबाल आ जाए, 5-10 मिनट लगे। हाँ, उबाल आने तक। ये गाइस हमारा फोरमा तैयार हो गया है। अभी हम इसे देग में डालेंगे मिक्स करने के लिए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। और ये फोरमा जाता हुआ देग में। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, फोरमा मिक्स हो गया है देग में। इससे कलर वगैरह तो बहुत ही शानदार कलर आया फोरमा मिलने के बाद।
मज़ेदार हलीम का भी रिकॉर्ड टूट गया आज तो। विद गोटा, गोटा भी इसलिए ला रहे हैं ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं प्रॉपर और जो भी घी है वो प्रॉपर पिस जाए ताकि खाने में हमें ना ऐसा भी। जितना गोटा लगेगा उतनी ही मज़ेदार हलीम बनेगा इंशाल्लाह। थोड़ा ग्राइंडर भी लगा देते हैं हम इसे ताकि प्रॉपर ही मिक्स हो जाए। काफी है, काफी लग रहा है सर। माशाल्लाह हमारी फाइनली हलीम तैयार हो गई है, ज़बरदस्त। ओह लेज़ भी भरपूर आया है बिल्कुल माशाल्लाह। ज़बरदस्त हरी फाइनली हमारी हलीम तैयार हो गई है, सर्विंग के लिए आ गई है दस्तरखान पे। अब हम इसको खाने के लिए एंजॉय करते हैं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हलीम पार्टी टाइम।